यह बिहार के विनाश काल की शुरुआत है, चाहे राजद हो या जदयू, दोनों ने बिहार को बर्बाद करने में बराबर हिस्सेदारी निभाई है। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, नोटवा से आई, बोटवा से आई, बिरला के घर में समाई। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। बिहार में गरीबी दर 33.7% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ के नेताओं को जातिगत जनगणना चाहिए। आधा बिहार बाढ़ से त्रस्त है, लेकिन बिहार के नेताजी लोग प्रधानमंत्री मोदी से जातीय जनगणना करवाने के लिए मिलते हैं। अगर जनगणना करवाना है तो गरीबी का करवाइए साहब, क्योंकि हर जाति हर धर्म के लोग में गरीब हैं। नमस्कार, राम राम। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार वालों से भी सब्सक्राइब करवाइए, इससे हमें और ताकत मिलती है। मशहूर कवि गोरख पांडे ने कहा था, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, नोटवा से आई, बोटवा से आई, बिरला के घर में समाई। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, लेकिन वर्तमान समय में लग रहा है कि समाजवाद जाति से आई। बिहार में गरीबी दर 33.7% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ के नेताओं को जातिगत जनगणना चाहिए। आधा बिहार बाढ़ से त्रस्त है, लेकिन बिहार के नेताजी लोग प्रधानमंत्री मोदी से जातीय जनगणना करवाने के लिए मिलते हैं। बिहार में लचर हालत में स्वास्थ्य व्यवस्था है, प्रति 17,685 व्यक्ति पर महज एक डॉक्टर है, लेकिन बिहार के नेताओं को जातीय जनगणना करवाना है। आखिर क्यों? जाति के नाम पर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव एक हो जाते हैं, लेकिन बिहार में जो गरीबी है उसको लेकर एक नहीं होते। यह बिहार के विनाश काल की शुरुआत है, चाहे राजद हो या जदयू, दोनों ने बिहार को बर्बाद करने में बराबर हिस्सेदारी निभाई है। थोड़ा आपको बता दे पहले जातीय जनगणना के इतिहास के बारे में, उसके आगे हम फिर बात करेंगे। 1881 में देश का पहली जनगणना और जातीय जनगणना ईओ हुइम ने करवाई थी। फिर 1881 से 1941 तक का लगातार 7 बार जातीय जनगणना हुआ, लेकिन 1941 में जनगणना कमिश्नर M.Y. एट्स ने जनगणना की रिपोर्ट पब्लिश नहीं की, इसलिए 1931 के जातीय जनगणना को ही अब अंतिम माना जाता है। फिर 1951 से जो जनगणना हुई उसमें सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजातियों की ही गणना हुई। 1951 में OBC और स्वर्ण की गिनती गायब रही, जो आज तक गायब ही है। एक और रोचक बात बता ही देता हूं, 2011 में जब जनगणना हो रहा था तब लालू यादव ने कांग्रेस से जातीय जनगणना की मांग की थी और लालू जी के साथ भाजपा ने दिया था। भाजपा के सांसदों ने यह मांग सदन में उठाया था, तब पी चिदम्बरम ने लोकसभा में कहा था इससे सामाजिक ढांचा बिगड़ जाएगा। आज जब भाजपा सत्ता में है तो कांग्रेस जातीय जनगणना की मांग कर रही है और भाजपा इसके विरोध में है। मतलब कुल मिलाकर सब अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए जाति जाति कर रहे हैं। एक कारण यह भी है कि जैसे बीजेपी मजबूत हो रही है तो क्षेत्रीय पार्टियों को जाति का सहारा लेना होगा। नीतीश कुमार की जदयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। अब इसको अगर अपनी पार्टी को अस्तित्व में बचाए रखना है तो जातिगत राजनीति करना ही होगा। लेकिन सच बात तो यह है कि जातीय जनगणना समाज को तोड़ने के लिए काफी है। हम इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे हम जातिगत भेदभाव कम करें, लेकिन जब देश में जातीय जनगणना जैसी बात को नेता अपनी राजनीति करेंगे तो हम कैसे हम जाति मुक्त समाज का निर्माण करेंगे। वैसे भी यह कोई नई बात नहीं है कि हिंदू समाज को तोड़ने का प्रपंच रचा जा रहा है। आज जिस तरह से सनातन धर्म के लोग एकजुट हो रहे हैं उससे कई लोगों की नींद उड़ी हुई है, अपने राजनीतिक अस्तित्व खत्म होते दिखाई दे रहा है। मैं बिहार का निवासी हूं, अपने प्रदेश के इतिहास को पढ़ता हूं तो गर्व की अनुभूति होती है, लेकिन जब अपने राज्य के वर्तमान परिस्थिति को देखता हूं तो खून खौलता है। जिस प्रदेश में नालंदा विश्वविद्यालय जैसा शैक्षणिक संस्थान था, उसी प्रदेश के बच्चे आज दूसरे राज्य में पढ़ने जाते हैं। जिस बिहार में अंग्रेजों के व्यापार का केंद्र हुआ करता था, उस बिहार के लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। आधे बिहार के किसान सिर्फ एक फसल उगा पाते हैं क्योंकि दूसरे फसल पर बाढ़ का साया मंडराता है। इसीलिए किसानी करने से अच्छा लोग दिल्ली बॉम्बे कमाने चले जाते हैं।
जिस बिहार में पिछड़े समाज के चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण चाणक्य सड़क से उठाकर सत्ता में बैठाते हैं, उसी बिहार में जातीय संघर्ष में न जाने कितनी जाने चली जाती है। यहां मैंने चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का जाति इसलिए बताया क्योंकि एक नैरेटिव फैलाया जाता है, पिछड़े को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया गया। खैर, आज जहां बिहार खड़ा है उस कारण क्या है? उसका कारण जातीय राजनीति है। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में सामाजिक न्याय के नाम पर स्वर्णों के घर में घुसकर मारा जाता था, उनकी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, जाति के नाम पर सरकारी नौकरी में भर्तियां होती थी, जाति के नाम पर नरसंहार होता था, और शायद लालू यादव उसी बेबस लोगों की आह का सजा भुगत रहे हैं। लालू यादव सत्ता से जाते हैं और आते हैं सत्ता में नीतीश कुमार, वो तो लालू यादव से भी बीस सिद्ध होते हैं। वो पिछड़ा वर्ग को तोड़ देते हैं और अति पिछड़ा वर्ग बना देते हैं। मतलब ये लोग वोट के चक्कर में कितने टुकड़े करेंगे समाज को समझ नहीं आता। और वैसे भी सत्ता और कुर्सी के जब देश के दो टुकड़े कर दिए तो यह तो जातियों की तोड़ने की बात है। अगर जनगणना करवाना है तो गरीबी का करवाइए साहब, क्योंकि हर जाति हर धर्म के लोग में गरीब हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे आप जरूर बताइएगा, क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए? इसको भी लेकर आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।